चेहरे की सुंदरता को बढ़ाने में होठों की अहम भूमिका होती है, इसलिए इनका ख्याल रखना भी बेहद आवश्यक है। होंठ फटने की दिक्कत बेहद आम है, लेकिन फटे होंठ चेहरे की खूबसूरती को तो कम करते ही हैं बल्कि दर्द भी बहुत ज़्यादा देते हैं। तो दोस्तों, इनका उपचार क्या हो सकता है उसके बारे में आज बेहतरीन टिप्स लाया हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इनसे केवल डेड स्किन ही नहीं निकलती बल्कि कभी कभी खून भी निकलने लगता है। अगर आपको भी फटे होठों की वजह से दिक्कत हो रही है तो परेशान ना हो, बस कुछ ऐसे घरेलू टिप्स हैं, उनको अपनाएं और अपने होठों को कोमल और खूबसूरत बनाएं। ड्राई होना या होठों के खून आने जैसी समस्या सिर्फ सर्दी के मौसम में ही नहीं बल्कि गर्मियों में भी लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करती है। होंठ फटने और करने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे शरीर में पानी की कमी, ड्राई मौसम, ड्राई स्किन और विटामिन की कमी। तो विटामिन की कमी खास है, क्योंकि विटामिन की कमी होंठ के कटने का मुख्य कारण हो सकती है। बॉडी को हेल्दी रखने में जिंक, आयरन और विटामिन बहुत ज़्यादा भूमिका निभाते हैं, इसलिए ऐसे में किसी भी पोषक तत्व की कमी स्किन और होंठों की परेशानी बढ़ा सकती है। तो दोस्तों, खासकर युवाओं को ऐसी स्थिति का सामना अधिक करना पड़ता है। चलिए जानते हैं कि क्या क्या खास टिप्स है, किन वजहों से हमारे होंठ नम या नहीं रहते या सूख जाते हैं या फट जाते हैं। तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा परिवर्तन है, इसका सबसे मेन कारण है कि जब सर्दियां आती हैं तो इनकी हवा जो रूखी रूखी चलती है, तब दोस्तों ये त्वचा को आपकी स्पर्श करती है और नमी के कारण ही ये आपके जो होंठ हैं उन होंठों पर थूक लगाना या फिर जीभ फेरने से भी आपके होंठ फट सकते हैं। बार बार होंठ पर थूक लगाना या फिर जीभ फेरने से भी आपके होंठ फटते हैं। तो दोस्तों, और बताएं तो होंठों की सूखी परत को यदि आप छीलते रहते हैं तब भी आपके होंठ फटते रहते हैं, बार बार फटते हैं, उसमें वासलीन लगाने से भी कुछ फ़ायदा नहीं होता है। फटने पर यदि आप इन औषधियों का यूज करते हैं तो काफ़ी फायदेमंद रहेगा। गर्म या शुष्क हवाओं के लगातार संपर्क में आने से भी आपके होंठ फट सकते हैं। कुछ दवाओं के रिएक्शन के कारण भी आपके होंठ फटते रहते हैं। धूम्रपान करने से, प्रदूषण की वजह से, धूप में ज़्यादा देर तक रहने से, होंठों पर लिप बाम लगाएं या फिर बिना सूखे और ठंडे मौसम में जाने से भी आपके होंठ जो है तो फट सकते हैं। शरीर में पानी की कमी से खासकर सर्दियों में भी होंठ फटते रहते हैं, जिसे हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। जो डिहाइड्रेशन की कमी यदि आपके अंदर हो जाती है तभी आपके होंठ फटते रहते हैं। विटामिन सी या B12 की कमी के कारण भी आपके होंठ फटते रहते हैं। सोरायसिस एक प्रकार की त्वचा संबंधी समस्या के कारण भी आपके होंठ फटते रहते हैं। तो दोस्तों, आपको उपचार बता दें तो नारियल का तेल यदि आप लगाते हैं, इसको दिन में 3 या 4 बार अपने होठों पर लगाएं, आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो ये दोस्तों कैसे फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें मॉइस्चराइजिंग गुण होता है, इसी के कारण से इसमें जो उपयोग होने वाले जो गुण होते हैं उसमें काफ़ी फायदेमंद देता है। और दोस्तों, शहद और वैसलीन का आप यदि यूज करते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। इसे करीब 10 से 15 मिनट तक आपको लगा, इसमें एंटीबैक्टीरियल और घाव भरने वाले हीलिंग गुण होते हैं, इसीलिए जो होंठ फटने के कारण होने वाले जो घाव हैं उनको भरने का काम करता है। यह त्वचा की खोई हुई नमी को भी वापस लाने में काफ़ी मदद करता है। इसमें ह्यूमेक्टेंट गुण होता है, वो भी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। और वासलीन में जो पेट्रोलियम जेलील उसमें यूज होता है मटेरियल, वो सूखी त्वचा या रूखे होंठों को भी नमी देकर उसे मुलायम बनाने का काम करता है। और दोस्तों, एलोवेरा को यदि आप यूज करते हैं तो जो एलोवेरा के पत्ते होते हैं उनको पहले जो कांटे होते हैं उनको साइड से काट दें, और जो अंदर का मटेरियल होता है उसको निकाल कर आप फटे होठों का घरेलू इलाज करने के लिए रात में सोने से पहले इसे होठों पर लगाना चाहिए, तो ये काफ़ी आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। सुबह उठते ही होठों को ठंडे पानी से धो लेना चाहिए, ये भी आपके लिए बढ़िया टिप्स हो सकते हैं। चीनी बेहतरीन एक्सफोलिएटर होती है, जो फटे होठों की समस्या को ठीक करने में काफ़ी मदद करती है। इससे स्क्रब करने से होंठ की सूखी व परत दर्द त्वचा से छुटकारा मिल सकता है। इसमें मिक्स किया गया शहद त्वचा को मुलायम बनाए रखने के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। आपके होंठों को मुलायम रखने के लिए गुलाब की पंखुड़ियाँ भी काफ़ी फायदेमंद होती हैं। 5 से 6 गुलाब की पंखुड़ियाँ 1/4 कप कच्चा दूध या मिक्स करके यदि आप रोज़ाना इसका यूज करते हैं तब भी आपके होंठ जो फटे हुए हैं उनको काफ़ी मुलायम बनाने में काफ़ी मदद करता है, नहीं देना है। और खीरा, 3 से 4 स्लाइस खीरा आप काट लीजिए, और खीरे को भी 15-20 मिनट तक उसको स्क्रब करते रहें अपने होठों पर, तो काफ़ी आपके लिए फायदेमंद होगा। दोस्तों, बादाम के तेल का भी यूज करते हैं तो
तो फटे होठों का इलाज करने के लिए रात को सोने से पहले होठों पर बादाम का तेल जरूर लगाना चाहिए। कि दोस्तों इसमें एमोलिएंट गुण होता है जो त्वचा के अंदर तक नमी को पहुंचाकर होठों को कोमल बनाए रखने में आपकी मदद करता है। साथ ही बादाम के तेल में त्वचा की रंगत निखारने की भी क्षमता होती है जो गहरे काले होठों को भी गुलाबी करने में काफ़ी अपना फर्ज अदा करता है। दोस्तों हल्दी का उपयोग यदि आप करते हैं तो हल्दी और मलाई को मिलाकर पेस्ट तैयार कर लेना चाहिए। आप रात को इस पैक को लगाते हैं होठों को तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। तो हल्दी में वुड हीलिंग गुण होने के कारण ये आपके होठों में नमी को पहुंचाता है और इसके अलावा मलाई का क्रीमी टेक्सचर होठों को मुलायम बनाने में भी काफ़ी मदद करता है। आप चाहते हैं कि होठ हमारे हर मौसम में गुलाबी और मुलायम बने रहें तो कुछ ऐसी टिप्स हैं, उनको आप भी फॉलो कर सकते हैं। पोषक तत्व युक्त खाद्य पदार्थों को डाइट में शामिल जरूर करें। होठों को दांतों से ना काटें, बार बार यदि आप काटते रहते हैं तो उसको ना काटें, इसीलिए आपके होंठ फट जाते हैं। कॉस्मेटिक्स का उपयोग करने से बचें और धूम्रपान तो बिल्कुल ना करें, मैं तो कहता हूँ बिल्कुल भी ना करें, तो बंद कर दें, उसको ज़्यादा फायदे में रहेंगे। सूरज की हानिकारक किरणों से होठों को बचाए रखें क्योंकि सूरज की जो रोशनी है वो काफ़ी तीखी होती है होठों के लिए, तो होंठ आपके सहन नहीं कर पाते और काले हो जाते हैं। पर्याप्त मात्रा में पानी और जूस का सेवन जरूर करें ताकि शरीर हाइड्रेट रहे और होंठ सूखे नहीं। यदि मलाई का यूज कर सकते हैं तो फटे होंठों पर मलाई भी काफ़ी असरदार होती है। आप रोजाना सोने से पहले अपने होंठों पर मलाई लगाएं और 2 मिनट तक होंठों की मसाज जरूर करें। इससे फटे जो होंठ हैं उनकी समस्या खत्म होती है और होंठ मुलायम होते हैं। क्योंकि मैं इतनी टिप्स इसलिए बता रहा हूँ, अगर आपके घर में कुछ भी उपलब्ध है तो आप अपने होंठों को बरकरार रख सकते हैं। घी में थोड़ा नमक मिलाइए और इसे दिन में 2 बार होंठों और नाभि पर आहिस्ता से लगाइए, तब आपके लिए फायदेमंद रहेगा। बादाम का तेल रोजाना होंठों पर लगाने से भी आपके होंठ नहीं फटेंगे। इस तेल की मालिश होंठों पर हल्के हाथों से कीजिए। नमी को बरकरार रखने के लिए पानी, फल और सब्जियों का खूब सेवन करते रहें ताकि आप डिहाइड्रेट ना हो, और अब यदि डिहाइड्रेट हो जाएंगे तो आपको दिक्कत रहेगी, इसीलिए आप इन चीज़ों का इस्तेमाल जरूर करते रहें। हाथ से निकले मक्खन में केसर मिलाकर होंठ पर लगाने से होंठ गुलाबी और मुलायम होते हैं और फटना बंद हो जाते हैं। बार बार यदि आपके होंठ फटते हैं ये टिप्स आप अपना सकते हैं। आपकी त्वचा की तरह आपके होंठों को भी नमी की ज़रूरत होती है, इसलिए आप पानी, फल, सब्जियों का इस्तेमाल इसीलिए करते जरूर रहें। सूखे व फटे होंठों पर शहद और चीनी से बना स्क्रब लगाएं। यह मिश्रण सौम्यता से रूखापन दूर कर देगा और शहद होंठों की कोमलता बरकरार रखता है। तो नींबू का जूस भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नींबू का जूस रूखे और काले होंठों के लिए बहुत प्रभावी इलाज होता है और नींबू प्राकृतिक ब्लीच और एक्सफोलिएंट की तरह काम करता है। शहद त्वचा को पोषित करता है और होंठों को हानिकारक फ्री रेडिकल से भी सुरक्षित रखता है। दोस्तों अरंडी का तेल यदि आप जानते हो तो अरंडी का तेल भी आपके लिए गुणकारी होता है। अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं, काफ़ी फायदेमंद होता है। जब तक होंठ ठीक ना हो जाते हैं तब तक आप इस उपाय को रोजाना दोहराते रहें तो आपके लिए काफ़ी, जो आपके बार बार होंठ फटते हैं उसमें काफ़ी फायदेमंद होता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। एक रिक्वेस्ट और रहेगी कि दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें ताकि हम मोटिवेट होते रहें और आपको बेहतरीन टिप्स आपके सामने प्रदर्शित करते रहें, आपको दिखाते रहें। तो आपका एक काम जरूर बनता है कि आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और जितना हो सके शेयर ज़रूर करें और लाइक करके तो बिल्कुल जाएं, क्योंकि दोस्तों बिना पैसा के सब काम हो जाता है, तो आपको बिना पैसे के सब कुछ फ्री में सब देते रहते हैं, मज़ा आता है आपको देने में भी। और दोस्तों बने रहें वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।